तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि हम लोगों को है ना किस तरीके से ऐप जो है वो इंस्टॉल करना है और उसको कस्टमाइज करना है। ठीक है, आज शॉपिफाई में हम लोग क्या सीख रहे हैं, एक तो सीखेंगे हम कंटेन, कंटेन के अंदर फाइल्स, फाइल्स का क्या रोल होता है इसके अंदर, और सेकेंड हमारा हो गया है इसके अंदर आपका कस्टमर डेटा। ठीक है, कस्टमर डेटा किस तरीके से मैनेजमेंट होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपना जो भी ऑनलाइन स्टोरेज पे आप वर्क कर रहे हो उसको हम ओपन कर लेंगे। आपने स्टोर ओपन करके रखना है कि इसके ना कस्टमर डेटा इससे कनेक्टेड कैसे होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसके अंदर जहाँ पे भी आप जाओगे यहाँ पे नीचे आएगा सब्सक्राइब टू और ईमेल। ठीक है, ये हमने थीम कस्टमाइजेशन से ऐड किया था। अब जब भी यहाँ पे आते हैं तो ये सिंक होके डायरेक्टली आपके ना जो भी डेटा है वो आपके कस्टमर डेटा में आ जाता है। ओके, तो आप जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे sample@gmail.com, कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, आपकी डिटेल्स पढ़ ली है, आपकी सर्विसेज देख ली है, सर्विसेज देखने के बाद में वो चाह रहा है कि मैं कांटेक्ट करूँ या फिर मैं इस पे सब्सक्राइब कर लूँ। ठीक है, जब वो सब्सक्राइब करेगा तो सब्सक्राइब करने का मतलब क्या होता है, सब्सक्राइब करने का मतलब होता है उसका ईमेल का डेटा हमारे पास आ जाता है, और जब ईमेल का डेटा आता है तब आप जब भी है ना उस कस्टमर को फिर से अगर फॉलो अप करना चाहते हो तो आप इसके अंदर है ना मार्केटिंग के अंदर जाके और हमारे ईमेल कैंपेन चला के और आप उसको सजेस्ट कर सकते हो हमारे नए नए ऑफर्स क्या आ रहे हैं, नई नई सर्विसेज क्या आ रही है, आपको किस चीज में बेनिफिट्स है, तो उसके ऑफर्स होते हैं वो सेंड कर सकते हो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ज्वाइन अवर ईमेल लिस्ट फॉर एक्सक्लूसिव ऑफर एंड लेटेस्ट न्यूज, तो हमारे नए कोर्सेज, जैसे हम ये कोर्सेज की बना रहे हैं, जैसे हम अलग अलग तरीके के कोर्सेज दे रहे हैं, तो अगर ये कोर्सेज हैं तो इसके बारे में नए कोर्सेज क्या हैं, आप क्या नए ऑफर्स डिस्काउंट्स दे रहे हो, क्या आप नए सर्विसेज दे रहे हो, अगर कुछ ऑफर्स वगैरह डिटेल्स जो भी आप नई चीज कर रहे हो तो वो लेटेस्ट न्यूज देना चाहते हो तो कस्टमर को वो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, उसके लिए वो यहाँ पे ईमेल सबमिट करता है। जैसे उसने ईमेल डाली और आप क्लिक कर देगा वो सब्सक्राइब के लिए, तो आप देखोगे थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब यहाँ तो सब्सक्राइब नहीं लिखा हुआ आ गया कि उसकी ईमेल अपने पास आ गई, लेकिन हमारे शॉपिफाई स्टोर में कहाँ उसकी ईमेल आएगी। ठीक है, तो जैसे आप कस्टमर सेक्शन में जाओगे देखो आप लोडिंग होना शुरू होगा, पहले यहाँ ईमेल नहीं थी, अब यहाँ ईमेल आ गई और यहाँ पे लिखा हुआ सब्सक्राइब, तो ईमेल कहाँ से आई, आपने जो सब्सक्राइब सेक्शन दिया है वहां से ही ईमेल आई है, इस वजह से यहाँ पे ईमेल का स्टेटस बता रहा है सब्सक्राइब। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या डिटेल्स आ रही है, एक तो उसकी ईमेल आईडी आ गई, उसके बाद में उसको उससे सब्सक्राइब किया, आप किस लोकेशन से किया है, वर्ल्ड में वो जहां से भी जिस भी लोकेशन से करेगा ऑटोमेटिकली उसकी ईमेल, उसका जो लोकेशन है वो ईमेल ट्रैक करके और यहाँ पे बता देगा किस लोकेशन से आई है। फिर अगर उससे कोई सब्सक्राइब करने के बाद भी कभी भी इन फ्यूचर या कभी भी उसने ऑर्डर प्लेस किया है तो वो ऑर्डर बता देगा कि ऑर्डर किया है उसने, कौन सा ऑर्डर किया है और उसकी वैल्यू कितनी है, तो वो डिटेल्स आपको यही बता देगा। ठीक है, फिर जब आप इसको क्लिक करोगे कस्टमर का, तो उसका कस्टमर का डिटेल सेक्शन देख सकते हो, जैसे सबसे पहले उसकी ईमेल आ गई, उसके बाद वो इंडिया से आया है कस्टमर। ठीक है, लेस देन 1 मिनट पहले वो कस्टमर ने विजिट किया है, 1 दिन हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा, 100 दिन हो जाएंगे, यहाँ पे अपडेट बताएगा कितने दिन पहले कस्टमर ने किया है। फिर मोर एक्शन पे जाओगे तो बहुत सारे ऑप्शन है, सेंड अकाउंट इनवाइट, मतलब सेंड अकाउंट इनवाइट क्या होता है, आप देखोगे यहाँ पे है ना सब्सक्राइब करने का अभी अपना एडमिन पैनल नहीं आ रहा है, जब यहाँ पे लॉगिन पैनल आएगा तब है ना वो आपको, आप उसको इनवाइट सेंड कर सकते हो, जैसे इनवाइट सेंड करोगे तो वो लॉगिन कर सकता है आपके इस पे कस्टमर, तो उसका लॉगिन इंटरफेस आ जाएगा, जब भी वो लॉगिन कर लेगा एक बार आपकी वेबसाइट को तो उसके बाद जब भी वो आएगा तो अगर उसने कोई भी सर्विसेज को ऐड टू कार्ट कर रखा है तो वो कार्ट में हमेशा शो होगा उसको, क्योंकि उसके लॉगिन इंटरफेस में वो सेव हो गया। ठीक है, फिर आपको कोई मर्ज कस्टमर करना है, कोई दूसरे दो ईमेल आईडी एक ही कस्टमर की उसको मर्ज करना है तो यहाँ से कर सकते हो। रिक्वेस्ट कस्टमर डेटा, एक रिक्वेस्ट कस्टमर डेटा क्या है, अगर आप इसको क्लिक करके अगर डेटा को आप सेव करना चाहते हो तो आपको फाइल में वो कन्वर्ट होके और सेव हो जाएगा, तो आप उसका डेटा को आप स्टोर भी रख सकते हो आपके डेस्कटॉप के ऊपर। ओके, उसके बाद इरेज पर्सनल डेटा, अगर कोई इसका पर्सनल डेटा है उसको इरेज करना है तो इरेज कर सकते हो, और डिलीट कस्टमर आ रहा है तो आप कस्टमर को डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका लास्ट ऑर्डर प्लेस्ड, अगर कस्टमर ने कोई ऑर्डर प्लेस किया लास्ट तो लास्ट कस्टमर का जो भी ऑर्डर है उसको भी आप है ना यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, फिर क्रिएट ऑर्डर, तो क्रिएट ऑर्डर कोई अगर ऑर्डर क्रिएट उसने किया है तो आपको यहाँ पे दिखा देगा लास्ट ऑर्डर क्या है, अगर कोई कस्टम क्रिएट ऑर्डर भी आपको क्रिएट करना है तो आप यहाँ से क्रिएट ऑर्डर भी क्रिएट कर सकते हो। फिर यहाँ पे नोट्स का ऑप्शन आ रहा है, नोट्स में जो भी आप नोट सेट करना चाहते हो तो नोट सेट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे अगर आपको कोई क्रिएट ऑर्डर करना है मतलब कि आप जो भी सर्विसेज दे रहे हो कस्टमर ने ऑर्डर नहीं किया है लेकिन कस्टमर से आपसे चिट चैट हुई है कुछ लाइव आपकी उस पे,
आपका जो भी लाइव आ रहा है यहाँ पे चैट का, उस पर अगर कोई डिस्कशन हुई है, तो अगर कोई ऑर्डर क्रिएट करना है उसके लिए, तो आप क्रिएट ऑर्डर पे जाओगे। यहाँ पे आप उसके लिए कोई भी ऑर्डर है तो यहाँ पे ब्राउज करोगे, जो भी आपके कलेक्शन आ रहे हैं, ऑर्डर आ रहे हैं, तो आप उसको क्रिएट करके और उसको सेंड कर सकते हो। तो आप उसको क्रिएट ऑर्डर भी कर सकते हो कस्टमर को, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके की आप सर्विसेज कस्टमर को यहीं से स्पेसिफिक कस्टमर को दे सकते हो। तो क्रिएट ऑर्डर कर सकते हो, कुछ नोट लिख के रखना है, या लिखा हुआ दिस कस्टमर डज नॉट हैव नोट, ठीक है। अगर उसने कोई नोट डाल के आपको दिया है, तो यहाँ पे आपको नोट आ जाएगा, ठीक है। उस पर आपको कुछ एडिट करना है, आपको कुछ नोट लिख के रखना है, लिख के और सेव करोगे तो कस्टमर के लिए वो नोट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाती है इसकी टाइमलाइन। टाइमलाइन में आपका पूरा प्रोसेस दिखाता है, जो जो हुआ है, अभी क्या आ रहा है, ऑनलाइन स्टोर क्रिएटेड दिस कस्टमर, मतलब कस्टमर ने जैसे यहाँ पे आपकी सब्सक्राइब के अंदर ईमेल डाली, डाल के सबमिट किया है, तो क्रिएटेड हुआ है आपके ऑनलाइन स्टोर से। फिर आपको कोई लीव कमेंट करके रखना है, ओनली यू एंड अदर स्टाफ कैन सी दिस कमेंट, मतलब कि आपको ये यहाँ पे कोई कमेंट देके छोड़ना है कि आपका कोई स्टाफ है, प्लीज फॉलो अप टू दिस कस्टमर, ठीक है। तो आप ये डाल के जब पोस्ट पे डाल दोगे, तो आपका जो भी स्टाफ होगा, सिर्फ ये आप देख सकते हो, आपका जो भी स्टाफ होगा वो देख सकता है, तो उनको पता लग जाएगा कि आपको फॉलो अप करना है उस स्टाफ को इस कस्टमर से। तो आप यहाँ पे नोट्स डाल सकते हो, ठीक है, शो कमेंट्स से शो कमेंट्स रख सकते हो, हाइड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इधर की जो इंटरफेस है, वहाँ कस्टमर, इसमें आता है मैनेज एडिट कस्टमर इंफॉर्मेशन। आप जब इस पे क्लिक करोगे, तो आपके पास अगर कस्टमर का नाम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल सकते हो, उसकी लैंग्वेज डाल सकते हो, उसका अगर फोन नंबर है तो वो डाल सकते हो, ठीक है। तो आप कस्टमर के डिटेल्स को एडिट कर सकते हो। फिर मैनेज एड्रेस, अगर कस्टमर का कोई एड्रेस अगर इंडिया का नहीं है और दूसरा है, उसमें पूरे डिटेल वाइज आपके पास अगर डेटा आ गया उसका कस्टमर का, अगर उससे चिट चैट में सेंड किया है, तो आपको लाइव चैट से लेके और यहाँ पे अपडेट करना है। हाँ, मैनुअली अपडेट करोगे तो क्या होगा, आपके कस्टमर का पूरा आपका डेटा यहाँ पे आ जाएगा, राइट। कस्टमर को टाइम नहीं होता है, वो सारा यहाँ पे फिलअप करेगा। कस्टमर कहाँ से फिलअप करेगा, जो कस्टमर कॉन्टेक्ट अस से आएगा, तो वो आपको डिटेल्स फिल करके देगा। जो आपको यहाँ से सब्सक्राइब पे आएगा, वहां पे सारा कंप्लीट करके नहीं देगा, तो आपको यहाँ से उसको मैनेज पे जाके एडिट करना है। फिर एडिट मार्केटिंग सेटिंग, तो मार्केटिंग के अंदर कुछ सेटिंग्स करनी है, तो उसको यहाँ से एडिट कर सकते हो इस कस्टमर की। फिर आता है मैनेज टैक्स एक्सेप्शन, अगर कोई सर्विसेज दे रहे हो उसमें टैक्स एक्सेप्शन आ रहा है कि वो टैक्स में कोई रिबेट मिलती है या फ्री है, टैक्स के अंदर इंक्लूड नहीं है वो सर्विसेज, तो आप उसको यहाँ पे एडिट कर सकते हो। फिर आता है ऐड ए कंपनी, अगर कस्टमर की कोई कंपनी है वो आप अपडेट करना चाहते हो, तो यहाँ से अपडेट कर सकते हो। तो ये पूरे सेक्शन को आप अपडेट करोगे, तो यहाँ पे कस्टमर की पूरी डिटेल्स आना शुरू हो जाएगी। अभी आ रहा है नो क्लासिक अकाउंट, जब आप पूरी अपडेट कर दोगे डिटेल्स, तो यहाँ पे शो करने लग जाएगी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, कस्टमर इन्फॉर्मेशन। तो उसमें एक तो उसकी ईमेल आ गई, आप उसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से वन क्लिक पे कॉपी हो जाएगा, कॉपीड हो गई। फिर आपकी ईमेल से अगर पर्सनली ईमेल कर रहे हो तो कर सकते हो। फिर लिखा है विल रिसीव नोटिफिकेशन इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में रहेगा। फिर डिफॉल्ट एड्रेस आ रहा है इंडिया, ठीक है, जो मैंने बताया, यहाँ से अगर आपको चेंज करना है उसका कंट्री, तो आप कंट्री चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आप उसको जो भी चेंजेस करना है, ईमेल सब्सक्राइबर है, एसएमएस नॉट सब्सक्राइब, तो अभी उसका एसएमएस सब्सक्राइब नहीं कर रखा। अगर आप व्हाट्सएप या इस तरीके की कोई ऐप इंस्टॉल करते हो, तो उसके अंदर अगर आप इसको एक्टिव कर दोगे एसएमएस सब्सक्राइब, तो उसको एसएमएस भी जाएगा जब आप उसको मार्केटिंग करोगे, ठीक है। फिर टैक्स एग्जेप्शन, तो अभी नो एग्जेप्शन आ रहा है, ठीक है, कोई टैक्स होगा इस सर्विसेज के ऊपर, तो आप यस करोगे उसमें, ठीक है। तो आपका टैक्स एब्जेक्शन का यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है टैक्स, अगर किसी तरीके का टैक्स डालने हैं आपको, ठीक है, तो आप यहाँ से उसके टैक्स भी डाल सकते हो। जैसे अभी वो न्यूज लेटर में, न्यूज लेटर मतलब किसी भी तरीके की आप मार्केटिंग के अंदर जाके क्रिएट कैंपेन करोगे, उसके अंदर आप है ना न्यूज लेटर सेक्शन में जाओगे, तो न्यूज लेटर के अंदर जो भी टैक्स रजिस्टर्ड होंगे कस्टमर, वो सारे को मिल जाएगी। उसके अलावा भी जिसमें भी आपको जैसे सब्सक्राइब कस्टमर है, आप जैसे मार्केटिंग में जाओगे, यहाँ पे क्रिएट कैंपेन करोगे, किसके लिए कैंपेन क्रिएट कर रहे हो, तो वो सब्सक्राइब कस्टमर जो भी है उनके लिए अगर कैंपेन रन कर रहे हो, तो ये ईमेल जो है वो ऑटोमेटिकली उससे क्लब होगी उस सेक्शन में, तो ऑटोमेटिक उन्हीं कस्टमर्स को मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो भी कस्टमर्स है उनका डेटा को आप क्लब कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद में अगर आपको कोई डेटा है उसको आपको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट मीन्स कि आपको आपके पास कोई एक्सेल में डेटा बना हुआ है कस्टमर्स का, वो सारा डेटा 1,000, 2,000, 10,000 कस्टमर का डेटा है, वो अगर आप यहाँ पे जाके अगर डालोगे ऐड कस्टमर पे क्लिक करके, तो एक एक का डालोगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा अगर 1,000, 10,000 कस्टमर का डेटा डालना है। उसके लिए क्या है, इम्पोर्ट सेक्शन है। इम्पोर्ट के अंदर क्या आ रहा है, इसमें ऐड फाइल। अब ऐड फाइल के लिए क्या लिखा है, इम्पोर्ट कस्टमर बाई सीएसवी। सीएसवी फॉर्मेट की एक फाइल होती है,
उसके अंदर आप डेटा उसका पूरा कॉपी पेस्ट करके डाल दोगे और फिर यहाँ अपलोड करोगे, तो जितना भी इसका सेक्शन बने हुए हैं उन सेक्शन के अंदर पूरी डिटेल्स के साथ कस्टमर का डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं इसमें बता देता हूँ आपको क्या क्या प्रोसेस करता है। इम्पोर्ट में जाओगे, अभी जैसे मैं आई मैक यूज कर रहा हूँ, जब आप विंडोज यूज करोगे तो उसके अंदर अलग फॉर्मेट आएगा। आपको क्या करना है, डाउनलोड ए सिंपल सैंपल CSV, जैसे क्लिक करोगे अभी देखो ये पूरा एक ही सिंगल लाइन में आ रहा है, लेकिन जब आप डाउनलोड करोगे CSV फाइल को यहाँ से आपके उसमें विंडोज के अंदर, तो एक एक सेक्शन बनाएगा। सेक्शन कैसे बनाएगा, एक्सेल की तरह, फर्स्ट नेम आएगा पहले, फिर लास्ट नेम आएगा, फिर ईमेल आएगा, फिर एक्सेप्ट ईमेल मार्केटिंग आएगा, तो उसके नीचे सेक्शन बने होंगे एक्सेल की तरह। तो आपको क्या करना है, आपके एक्सेल से कॉपी करना है, तो फर्स्ट नेम को पूरा कॉपी पेस्ट कर दोगे यहाँ पे जाओगे, फिर आप कर दोगे लास्ट नेम, तो लास्ट नेम को पूरा कॉपी पेस्ट कर दोगे। एक साथ अगर 10,000 है पूरा आपका कॉपी पेस्ट हो जाता है एक्सेल से। ठीक है, फिर नेम है आपका, ईमेल है, तो ईमेल को कॉपी पेस्ट कर दोगे उस पूरे सेक्शन में टॉप टू बॉटम। ठीक है, वो करने के बाद आप CSV फाइल में सेव कर दोगे। सेव करने के बाद में आपको आना है आपके डैशबोर्ड पे, यहाँ पे आपको आना है कस्टमर सेक्शन में, यहाँ पे आके आपको इंपोर्ट पे क्लिक करना है, ऐड फाइल, ऐड फाइल पे आप क्लिक करोगे, जो भी आपकी CSV फाइल है उसको आप सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे अपलोड कर दोगे। अपलोड करते ही अपलोडिंग शुरू हो जाएगा और फिनिश हो जाएगा, फिर ओके करना है आपको। जैसे ओके करोगे आपके जितने भी डेटा होगी कस्टमर का, वो पूरा डेटा 100 होगा, 1,000 होगा, 10,000 होगा, सारा डेटा यहाँ पे इम्पोर्ट हो जाएगा। तो आपको पूरा डेटा एक बार में आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, फिर आ जाता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में क्या क्या है, एक्सपोर्ट मतलब हो गया जितना भी डेटा है, अभी जैसे हमारे लिए एग्जाम्पल के लिए एक ही डेटा है, अगर आपके पास 1,000 है, 10,000 है, जितने भी 100 है, उस डेटा को आपको वापस बैकअप लेके सेव रखना है, तो आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट में क्या करोगे, आप ऑल कस्टमर का कराना करना है या करंट पेज का करना है, जो भी यहाँ पे पेज दिख रहा है आपको आपकी स्क्रीन पे उसी का करना है या सारे कस्टमर्स का करना है, तो आप ऑल कस्टमर का करोगे। फिर एक्सपोर्ट इज किस फाइल में सेव करना है आपको, CSV फॉर एक्सेल नंबर और द अदर स्प्रेडशीट प्रोग्राम, या फिर प्लेन CSV में करना है, तो आप जिस फॉर्मेट में करना चाहते हो, हमेशा इसमें करो CSV फॉर एक्सेल, तो इसमें आपको एक एक सिंगल फॉर्मेट बना हुआ आता है। इसको करके जैसे ही आप एक्सपोर्ट कस्टमर करोगे, ठीक है, आपकी ईमेल के ऊपर आएगा वो। ईमेल के ऊपर क्यों आएगा वो रीजन बताता हूँ, बहुत सिक्योर नेटवर्क है शॉपिफाई का वो। अगर आप किसी को स्टाफ अकाउंट दे दिया, अगर उसने उसने एक्सपोर्ट करके डेटा ले लिया, ठीक है, तो उसके डेस्कटॉप के ऊपर पहुंच जाएगा सारा डेटा जो है। ठीक है, अब आप देखोगे ये पूरा डेटा जो है ना, मेरी रजिस्टर जो ईमेल है उसके ऊपर चला गया पूरा, तो ये डेटा पूरा जो है आपकी कहाँ पे आएगा, आपकी ईमेल पे आएगा। आपकी ईमेल पे जब आएगा तो आप उसको क्या करोगे, क्लिक करके आपकी ईमेल से और डाउनलोड करके आप रख सकते हो उसको, तो आपका जो पूरा सिस्टम है वो बहुत सिक्योर्ड है। आप किसी को स्टाफ अकाउंट देते हो, आपकी ईमेल के ऊपर आ जाए कस्टमर एक्सपोर्ट CSV फाइल, आप जब इसको डाउनलोड करोगे तो ये जो डेटा है ये सिर्फ सिक्योर्ड आपके लिए, राइट। जो ओनर रजिस्टर है, ओनर कौन रजिस्टर है, यहाँ पे HRY ब्रांड रजिस्टर है, क्योंकि ना मैंने ही सारे अकाउंट बनाए, मैं ओनर हूँ इसका, तो पूरा डेटा जो है वो मेरे पास आ जाएगा। ओके, तो ये बहुत सिक्योर नेटवर्क है। तो अभी हमने इस वीडियो में क्या सीखा है, कस्टमर डेटा आपका कहाँ से आता है, आपकी वेबसाइट से, जहां जहां भी आपने सब्सक्राइब बटन दिया, या फिर हम एक चीज और सीखेंगे इसके अंदर कि ऐप आप इंस्टॉल करते हो, एक जैसे हो गया एडमिशन फॉर्म हो गया या कस्टमर इंक्वायरी फॉर्म हो गया, वो फॉर्म जब आप डालते हो तो उसका डेटा भी यहाँ पे आता है। जब उसका डेटा वो आप क्लब करके इसमें कनेक्ट करोगे, तभी वो कनेक्ट होके यहाँ जो डेटा आएगा उस डेटा को फिर आपको कैसे उसको है ना बाइफरकेशन से देख सकते हो, क्या क्या उसकी डिटेल्स है, कस्टमर की डिटेल्स क्या है, उसको डाउनलोड्स कैसे करना है, कोई इंपोर्ट करना है तो इसमें इंपोर्ट कैसे करना है, ऐड कस्टमर करना है तो ऐड कस्टमर पे जाके आप पूरी डिटेल फिलअप करके ऐड कस्टमर कैसे डालोगे। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस इसके अंदर आता है। अगर कोई फॉर्म से आप कनेक्ट करोगे तब उसका डेटा आएगा, तो उसका भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो डेटा जो है। तो ये हो जाता है एक सिक्योर डेटा के लिए प्रोसेस हो जाता है, कि आपका जो एक डेटा कस्टमर डेटा आया है वो आपके पास शॉपिफाई पे भी आ गया, उसके बाद आपकी जो रजिस्टर ओनर जो ईमेल है उस ऑनर ईमेल पे पूरा डेटा आप बैकअप की तरह रख सकते हो, तो आपकी दो जगह पे बैकअप रहेगा। उसी बैकअप को तीसरा एक जगह और आप हमेशा स्टोर रखो, या तो आपकी हार्ड डिस्क पे, या फिर आप उसको सेव रखोगे आपकी गूगल ड्रॉपबॉक्स पे। तो तीन जगह चार जगह आपका डेटा रखो, ताकि कहीं एक जगह से क्रैश हो जाता है, आपका मोबाइल घूम जाता है, आपका लैपटॉप घूम जाता है, तो भी ऑनलाइन आपके पास डेटा स्टोर है, या फिर कहीं नहीं करोगे तो भी आपकी रजिस्टर्ड जो ईमेल है उसमें हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो आपको तीन चार जगह पे हमेशा बैकअप रखना चाहिए, किसी का भी बैकअप हो, भले वो कस्टमर डेटा हो गया या एनालिसिस हो गया या कंटेन हो गया या फिर आपकी ऑनलाइन स्टोर की जो भी थीम है उसका।
तो आप इस तरीके से आपको डेटा मैनेजमेंट रखना है कि आपका डेटा जो भी हो बैकअप में तीन चार जगह पे स्टोर हो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या कवर करेंगे, हम कवर करेंगे इसी के अंदर कंटेन का। कंटेन के अंदर हम लोग है ना किस तरीके से वर्क करेंगे, कंटेन में जो फाइल्स होती है इसका क्या प्रोसेस रहता है, किस तरीके से हमें इसको मैनेज करना है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे।